हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। तीन तलाक बिल पर पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही हाथी के दांत वाला बर्ताव किया। जहां सदन में पक्ष ने दिखाया कुछ और पास कुछ और कराया, उसी तरह विपक्ष ने अपना दम दिखाने की हवा भरी, लेकिन पक्ष के सामने बिखर से गए। तीन तलाक बिल को पास कराकर भले ही सरकार अपना सीना फुलाकर घूम रही हो, लेकिन इस बिल के पास होने में विपक्ष ने भी सरकार का अच्छा साथ दिया है। राज्यसभा में बिल का पास होना विपक्ष की कमजोरी को साफ तौर पर दिखाता है। शाम होते होते जिस तरह से एक एक करके विपक्षी दल बाहर चले गए, उससे लग रहा था कि शायद वो इस बार बिल को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जिस एनडीए के पास सदन में पूर्ण बहुमत नहीं था, विपक्षी दलों गैर मौजूदगी में उसने वो बिल सिर्फ 99 वोटों में ही पास करा लिया। 2013 में सर ट्रिपल तलाक की विक्टिम सारा बानो और अदर्स सुप्रीम कोर्ट गई सर, और सुप्रीम कोर्ट ने सर अपना फैसला दिया। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सर, दो जजेस जस्टिस नारीमन ऑनरेबल जस्टिस ललित ने कहा इट इज आर्बिट्ररी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक जज ऑनरेबल जस्टिस कुरियन ने कहा कि व्हाट इज रॉन्ग इन कुरान कैनॉट बी वैलिड इन लॉ, ही सेट इट असाइड। दो जजेस जस्टिस खेर एंड जस्टिस नजीर ने कहा कि दैट इज इंटेग्रल पार्ट बट नॉट द राइट पार्ट, द पार्लियामेंट मस्ट टेक इनिशिएटिव। इस बिल से सबसे ज्यादा खफा कोई है तो वो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसने सभी दलों कांग्रेस, जेडीयू, बसपा, एआईडीएमके, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस जैसी पार्टियों को ट्वीट के जरिए कहा कि हम विपक्षी पार्टियों के रवैये की कड़ी निंदा करते हैं। बोर्ड ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की राजनीतिक एजेंडे को अपना समर्थन दिया और राज्यसभा में वोटिंग के समय वॉकआउट कर गए, यहाँ उन्होंने अपने असली रंग को दिखा दिया है। देखा जाए तो विपक्ष का ये रवैया पक्ष दल के सामने हथियार डालने जैसा था। हमने सोचा था कि इस निर्णय के बाद सर ये चीज खत्म हो जाएगी। सर हमारे पास जो जानकारी प्राप्त हुई है सर, ये हम प्राप्त कर सके हैं, इससे सैकड़ों अधिक हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर 574 तीन तलाक के मामले आए सर, और सर जिसमें 345 टिल 24th of July 2019, सो रीसेंट आर देयर, दैट इज आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। सर व्हेन रिकरेंट वर हैपनिंग हम ऑर्डिनेंस लेके आए सर, ऑर्डिनेंस के बाद 101 मामले हुए सर। आई हैव गॉट ऑल द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सर, आई डोंट वांट टू कोट। रोटी काली हो गई, ट्रिपल तलाक। पति ने सब्जी के लिए पैसा मांगा, ट्रिपल तलाक। जब ये बिल साल 2018 में राज्यसभा में पहली बार आया था, तब विपक्ष की मजबूती की वजह से अटक गया था, लेकिन दोबारा इस बिल के आने के बाद अचानक ही धीरे धीरे सदन से कई पार्टियों के राज्यसभा सांसद गायब हो गए, कई पार्टियों ने वॉकआउट कर लिया, जिसके बाद तो बिल के पास कराने में बीजेपी को ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। लोकसभा में जहां विपक्ष के पास गिनती के नाम पर कुछ नहीं था, वहां उन्होंने बिल का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन राज्यसभा में जहां बिल रोका जा सकता था वहां कुछ नहीं किया गया। सर आई हैव ब्रॉट ऑल द मटेरियल्स विद मी सर, दे आर ऑल फुल द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर विद मी सर। अब सर हम एक सवाल अपने सामने करना चाहते हैं, इस मुल्क की खवातीनों के बारे में हम क्या कहें कि जजमेंट हो गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए हम लॉ लाए हैं, बिकॉज लॉ इज अ डिटरेंस। तीन तलाक बिल पर विपक्ष ने जो हालात पैदा किए वो वाकई में आपको घुमा कर रख देंगे। जो पार्टियां एक साल पहले तक इस बिल के खिलाफ थी, वही दूसरी बार बिल आने पर उसे रोकने में किसी भी तरह का कदम नहीं उठाती हैं। ऐसे में कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि क्या सचमुच विपक्ष इस बिल को रोकना नहीं चाहता था। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।